हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा कि फायरवॉल के जो प्रोडक्ट्स है उसको आप लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हो। मेरा पिछला लास्ट जो वीडियो था फायरवॉल रिटर्न के ऊपर, वहां पर 1 लाख के ऊपर व्यूज आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी नया से बहुत सारा प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज आ रहा था। तो मैंने जब फायरवॉल को वेबसाइट में जाकर विजिट किया तो देखा कि उनका जितना भी फंक्शंस था वो सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी उनका बहुत सारा नया चीज आया है, उनका प्रोसेस जो है प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के पास ये वाला वीडियो जरूर लेके आना है, अदरवाइज आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना हो रहा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग वारंटी को क्लेम कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट को रिटर्न के लिए भेज सकते हो, और साथ में इजीएस्ट वे क्या है इसके प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए या फिर रिफंड के लिए भेजने के लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो के अंदर चलते हो और आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसे आप लोग इन सब कुछ एक ही जगह से और बहुत इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना है, फायरवॉल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेबसाइट में पहले विजिट करना है। विजिट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम बॉटम में आ जाइएगा। बॉटम में आने के बाद यहाँ पर देखिए, तो आप लोगों को सिंपली वारंटी पॉलिसी में जाना है। वारंटी पॉलिसी में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा कि कौन से चीज़ के ऊपर कितना वारंटीज़ है। तो हम लोगों को वो सब नहीं जानना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आइएगा, नीचे देखिएगा क्लिक हेयर का यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिए। तो इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्म जब खुलेगा, यहाँ पर देखिए एक ईमेल आईडी यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये वाला जो ईमेल आईडी है, आपने जिस भी ईमेल आईडी से आपका प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो उसको ही डालिएगा यहाँ पर, वो प्रेफरेबल है। अगर आप लोगों का दूसरा कोई ईमेल आईडी है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी डिटेल आप लोग डालेंगे वो सही होना चाहिए। तो नीचे क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक नेम का जगह दिया हुआ है, तो सिंपली मेरा नाम लिख देता हूँ, मेरा ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आता है फोन नंबर, फोन नंबर आपका खुद का, जो फोन नंबर जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था उस फोन नंबर को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद चैनल ऑफ परचेस, यहाँ पर देखिए आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया था वो कहाँ से परचेस किया था, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर अदर्स। तो आपने जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट चूज करूंगा। अगर आप लोगों ने फायरवॉल को ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया या फिर दूसरे किसी जगह से ऑर्डर किया तो अदर्स पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन जो भी स्टोर से आपने परचेस किया उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है चूज द प्रोडक्ट, यहाँ पर आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट को आपको रिप्लेस करना है, ध्यान में रखिएगा जो भी प्रोडक्ट को आपको रिप्लेस करना है उस प्रोडक्ट को यहाँ पर आपको चूज करना होगा। तो मेरा जो था वो है कि फायरबोल्ट टॉक 2, तो मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ फायरबोल्ट टॉक। ये देखिए यहाँ पर फायरबोल्ट टॉक जो है वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो देखिए आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको रिडीम करना तो आप लोग येस कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज आप लोग नो कर सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगेगा आप लोग यहाँ से चूज कीजिए, डजंट मैटर, ये मैंडेटरी फील्ड है तो उसको आपको चूज करना ही होगा। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे फायरबोल्ट का कोई भी प्रोडक्ट और फ्यूचर में चूज परचेस नहीं करना है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए योर नेम एंड फोटो एसोसिएट विद द गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म, योर ईमेल एड्रेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर देता हूँ। मेरा जो वारंटी का फॉर्म था वो यहाँ पर सबमिट हो गया और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं फिर से इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट में मैं जाऊँगा। अभी आपके पास इश्यूज क्या क्या है, देखिए आपके पास हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट डैमेज आया है या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ दिन यूज करने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट का एक यहाँ पर ऑप्शन डाला हुआ है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। तो रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट में आप लोग जाइएगा, जाने के बाद यहाँ पर देखिए कि आवर कस्टमर्स आवर सर्विस सेंटर्स है और है रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट। देखिए सर्विस सेंटर ऑलवेज आप लोगों के लिए प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि वहाँ पर आप लोग मैन टू मैन आप लोग विजिबल होते हैं, सामने वाला लोग है आप उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड जो है वो कंप्लेंट जो है उसको रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट में जाइए, यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक टिकट सबमिट करने के लिए वो लोग बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से कुछ डिटेल्स है जिसको आप लोगों को डालना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे यहाँ पर डाल रहा हूँ आप लोग भी यहाँ पर डालते रहिए। तो पहला ऑप्शन है कि प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी, में प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर योर ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर और एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी आप लोगों को डालना होता है। प्लीज सिलेक्ट करेक्ट सोर्स ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर हैव परचेज द प्रोडक्ट, यहाँ पर सोर्स जो है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से डालिएगा कहाँ से आपने इसको परचेज किया। तो जैसे कि यहाँ पर फायरबोल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर बहुत सारा स्टोर्स यहाँ पर डाला हुआ है, तो फ्लिपकार्ट मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट। प्लीज सिलेक्ट करेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट बिलो, आपने क्या लिया था, मेरा स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच। उसके बाद आपका लिस्ट जो है लिस्ट को यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कौन से कलर का कलर वेरियंट बहुत रहे, तो जो भी कलर वेरियंट आपका रहेगा उस कलर वेरियंट को यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए। प्लीज सिलेक्ट द एक्यूरेट कंप्लेंट रीजन फ्रॉम द लिस्ट बिलो, आपका एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे कि मेरे बैटरी जो है बैटरी सेंस नहीं कर रहा, वो ऑन नहीं हो रहा है,
तो मैं यहाँ से उसको ढूंढ लूंगा। डिवाइस इज नॉट गेटिंग चार्ज, मेरा ये वाला प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया। प्लीज मेंशन योर इशू इन शॉर्ट, आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पर कर दीजिए। शॉर्ट में डाल दिए, प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड अटैच्ड इमेज और पीडीएफ इनवॉइस कॉपी एज वेल एज वीडियो ऑफ योर द प्रोडक्ट वेयर इशू कैन बी सीन। यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, आपका जो फीडबैक है फीडबैक यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, साथ में आपके प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम आया है आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका एक वीडियो निकल के आप लोग वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी इमेज जो है इमेज आप लोग यहाँ पर इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इमेज अगर आप लोग देंगे तो इमेज या फिर पीडीएफ यहाँ पर लेगा ऑफ द इनवॉइस कॉपी एज वेल एज द वीडियो ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आप लोगों को इनवॉइस कॉपी भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अभी आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि आपको इनवॉइस कहाँ से मिलेगा, फ्लिपकार्ट से अगर आप लोग परचेस करेंगे तो आपके ऑर्डर हिस्ट्री में जाने पे आप लोगों को देखिए यहाँ पर आप लोगों का डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस जो है इनवॉइस को मैं अटैच कर दूंगा, इनवॉइस अटैच हो गया। साथ में आपको वीडियो में डालना पड़ेगा, जो भी आपके डिवाइस में प्रॉब्लम हुआ है उसका एक वीडियो निकाल के आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डर आईडी और नंबर, एरर इन मे कॉज डिले रिजेक्शन ऑफ योर रिक्वेस्ट। ऑर्डर आईडी आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर आईडी अगर आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो ऑर्डर आईडी आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने दूसरी किसी जगह से परचेस किया तो ऑर्डर आईडी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जाके आप लोग इनवॉइस नंबर जो है हर एक चीज परचेस का आप लोगों को बिल मिलता है वहाँ पर इनवॉइस नंबर जरूर रहता है, उस इनवॉइस नंबर को आप लोगों को यहाँ पर डाल देना होगा। आपका ऑर्डर आईडी जो है वो मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ऑर्डर आईडी हर किसी के पास नहीं रहता, तो आप लोग डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इनवॉइस जो है इनवॉइस नंबर मैंडेटरी है, इनवॉइस नंबर आप लोगों को डालना ही पड़ेगा। उसके बाद है इनवॉइस डेट, प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट डेट, आपने कब परचेस किया था प्रोडक्ट को, कब परचेस किए थे उसका एक इनवॉइस नंबर देना पड़ेगा, तो मैं एक डेट डाल देता हूँ, हो गया। इनवॉइस अमाउंट, प्लीज करेक्ट द अमाउंट, आपने कितने पैसे में इसको ऑर्डर किया था उसको डालना पड़ेगा, कितना पैसा आपने इसके लिए दिया है। क्वांटिटी, प्लीज एंटर क्वांटिटी, कितना परचेस किया था, एक लिया था तो वन, प्लीज एंटर योर कंप्लीट एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालिएगा, ध्यान में रखिएगा एड्रेस वही डालिए जहाँ पर आपका प्रोडक्ट है। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस का एड्रेस मत डालिएगा, आपके घर में प्रोडक्ट रखा हुआ है क्योंकि ऑफिस में आप लोग हर वक्त नहीं रहते, घर में रहते तो घर में जो भी रहेगा उनको बोल दीजिएगा और आपका जो एड्रेस है एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। नीचे है आपका लैंडमार्क, आप जहाँ पर भी रहते हो उसका लैंडमार्क मैंडेटरी है, लैंडमार्क ज़रूर दीजिएगा नहीं तो उनको ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज़ एंटर योर करेक्ट सिटी नेम, सिटी नेम भी डाल दीजिएगा आप लोग जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट योर करेक्ट स्टेट फ्रॉम द लिस्ट बिलो, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो स्टेट यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। प्लीज़ एंटर योर करेक्ट सिक्स डिजिट पिन कोड, पिन कोड मतलब आपका जो पिन कोड जो भी पोस्टल कोड रहेगा उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो फिर लोकेट करने में आपको आसानी हो जाएगा। नीचे देखिए एक टिक मार्क करने का जगह है, आपका करंट एड्रेस एंड आपका जहाँ पर प्रोडक्ट रखा हुआ है उसका एड्रेस अगर सेम रहेगा तो आप लोग यहाँ पर इसको टिक करिएगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो आप लोगों को फिर से नीचे लिखना पड़ेगा जहाँ से इस प्रोडक्ट को वो लोग पिकअप करेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा ऑलवेज ऊपर का और नीचे का एड्रेस सेम रखिएगा, इससे कन्फ्यूजन कम होता है और आपका प्रोडक्ट ईजिली रिप्लेसमेंट में चला जाएगा। करने के बाद कंप्लेंट टाइप में जाइएगा, कंप्लेंट टाइप में आपका कंप्लेंट किस टाइप का है, ठीक है इसमें क्या इशू हो रहा है जो भी रहेगा, ठीक है जैसे मेरा प्रॉब्लम जो है कि मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ फिजिकली डैमेज है, ठीक है वो प्रॉब्लम है मेरा कंप्लेंट। करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद फाइनली आप लोगों को सबमिट कर देना है, सबमिट कर देने के बाद आपके पास क्या आएगा देखिए, आपके ईमेल आईडी पे सबमिट कर देने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा जहां पर आपका टिकट नंबर रहेगा और आपका कंप्लेंट जो रजिस्टर हुआ है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी क्या होगा, कुछ दिन बाद आप लोगों को फायरबोल्ट के साइड से एक मेल आ जाएगा और आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा इनका सर्विस बहुत स्लो है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, परचेस जब किए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पैसा आपका है प्रोडक्ट आपका है, पेशेंस थोड़ा रखिएगा। उनके साइड से अपडेट वगैरह थोड़ा उल्टा सीधा आता है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जब भी आपका प्रोडक्ट वो लोग पिकअप करने आएगा उसके पहले वो लोग इंटीमेट भी करते हैं, बहुत सारे टाइम पे इंटीमेट नहीं भी करते हैं, तो प्रोडक्ट को दीजिएगा। प्रोडक्ट देने के टाइम पे मेक श्योर प्रोडक्ट जब आप लोग दे रहे तो उसका एक फ़ोटो खींच के रखिएगा क्योंकि आप लोगों को इन फ्यूचर में उसको एज ए रेफरेंस लग सकता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट उनके पास जाएगा और आपके पास रिटर्न आ जाएगा। इसके लिए आप लोगों को लगभग 10 से 15 दिन का टाइम जो है वो टाइम लग सकता है, कुछ कुछ लोकेशंस में उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये वाला जो स्टेप्स है इनको फॉलो करके आप लोग आपका जो प्रोडक्ट है उसका वारंटी क्लेम कर सकते हो और उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, दूसरा मेथड और एक है
जिससे भी आप लोग आपका प्रोडक्ट जो है उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाना है। ऑलवेज आप लोग दूसरा वाला इस मेथड के साथ ही जाइएगा। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका सर्विस सेंटर नियरेस्ट है कि नहीं, तो उसको पता लगाने के लिए फिर से आप लोगों को फायरबोल्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। फिर से आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सर्विस सेंटर जो टैब है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल मैंने चूज़ किया, ऑटोमेटिकली जब आप लोग स्टेट चूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर वो सब लोकेशंस भी आ जाएगा। उसके बाद फाइंड नियरेस्ट सर्विस सेंटर, तो जब भी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा नियरेस्ट सर्विस सेंटर कहाँ पर है। तो अगर हो सके तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन और उनका फ़ोन नंबर दोनों मौजूद है, तो उसको कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं और फिजिकली जाके आपका प्रोडक्ट को वहाँ पर दे के आप रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करके आ सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली आ जाएगा और आपको ज़्यादा झंझट फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है या फिर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी ये वाला प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए, वो लोग भी इजीली इसके प्रोडक्ट को रिफंड या फिर रिप्लेस के लिए भेज सके। तो गाइस इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जाते जाते आप लोगों को छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दे, ताकि मेरे हर एक वीडियो का हर एक अपडेट आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हाँ गुड बाय।